नमस्कार, बीए पार्ट सेकंड पांचवा लेसन पढ़ेंगे, बाल शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम उन्नीस सौ उन्नीस और द्वैत शासन प्रणाली। आज के इस वीडियो में हम केवल भारत शासन अधिनियम 1909 के बारे में चर्चा करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1909 इस अधिनियम का दूसरा नाम मार्ले पिंटो सुधार अधिनियम भी है। मार्ले पिंटो सुधार अधिनियम का भारत शासन अधिनियम मार्ले पिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम का दूसरा नाम मार्ले पिंटो सुधार अधिनियम क्यों है, इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि जब 1909 का भारत शासन अधिनियम बना था उस समय भारत सचिव के पद पर लॉर्ड मिल मार्ले थे। सचिव कौन थे भारत के? लॉर्ड मार्ले। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। इसी कारण से इस अधिनियम का दूसरा नाम मार्ले पिंटो सुधार अधिनियम भी है। आज हम इस अधिनियम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 1858 के अधिनियम से पहले भारत में शासन व्यवस्था का संचालन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता था, लेकिन 1858 का एक पास होने के बाद भारतीय शासन व्यवस्था की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में आ जाती है और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अंदर एक नए पद का सृजन किया जाता है जिसे भारत सचिव या भारत मंत्री के नाम से जाना जाता है। भारत सचिव या भारत मंत्री के नाम से जाना जाता है, जो इंग्लैंड के अंदर रहते हुए भारत की शासन व्यवस्था का संचालन करते थे और इनसे नीचे का जो पद होता था वो गवर्नर जनरल या वायसराय का होता था। गवर्नर जनरल या वायसराय का पद होता था। ये भारत के अंदर शासन व्यवस्था का संचालन करने का कार्य करते थे। 1909 में के आसपास ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि 1909 का अधिनियम पारित करके ब्रिटिश संसद ने भारतीयों को कुछ रियायतें प्रदान की? इनका जो मुख्य कारण था ऐसा कानून बनाने का वो था लॉर्ड कर्जन की नीतियां। पिछले वीडियो में हमने कर्जन के बारे में पढ़ा था कि वो 1899 से लेकर 1905 तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। जब ये गवर्नर जनरल थे उस समय इनकी भारत के प्रति दमनात्मक नीतियां थी जिनके कारण भारतीय जनता ब्रिटिश शासन से नाराज हो चुकी थी या ब्रिटिश शासन के प्रति जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश था। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट बनाया। इनके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन की ऐसी दमनकारी नीतियां की आए, और भी ऐसे कारण थे जिनके जिनकी वजह से ब्रिटिश भारतीय जनता ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो चुकी थी। तो ब्रिटिश शासन उस साल एक तरह से कुछ रियायतें प्रदान करने के लिए कुछ सुधारों के साथ भारत शासन अधिनियम 1909 ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित किया जाता है। आज हम इस अधिनियम की एक एक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम 1909 की विशेषताएं। भारत शासन अधिनियम 1909 की विशेषताएं। पहली विशेषता थी भारत परिषद और कार्यकारिणी परिषद का विस्तार। भारत परिषद और कार्यकारिणी परिषद का विस्तार। परिषद का विस्तार। भारत में ब्रिटिश शासन के संचालन के लिए जो भारत मंत्री या भारत सचिव होता था, भारत सचिव, उनके अधीन एक भारत परिषद होती थी, और वो उस भारत परिषद के जो सदस्य थे वो सभी अंग्रेजी या ब्रिटेन के सदस्य थे। तो इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए तो भारत सचिव की या भारत मंत्री की जो परिषद हुआ करती थी उस परिषद में दो भारतीयों को सम्मिलित किया गया। उस परिषद में दो व्यक्ति ऐसे होंगे जो भारतीय होंगे। इस अधिनियम से पहले सभी व्यक्ति अंग्रेज होते थे जिससे भारत का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा था। इस अधिनियम के बाद ऐसी व्यवस्था की गई कि जो भारत सचिव की जो परिषद होती थी उनमें दो सदस्य भारतीय समुदाय से होंगे ताकि भारतीय लोगों का उचित प्रतिनिधित्व हो सके। इनके बाद जो एक गवर्नमेंट जनरल या वायसराय होता था
सदस्य होंगे और केंद्रीय सदस्य गैर सरकारी होंगे। इस तरह 16 से बढ़कर इनकी संख्या कितनी हो गई? 7। गैर सरकारी का तात्पर्य विभिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आएंगे और इसी अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में मतदान का अधिकार दिया गया। जो मतदान का अधिकार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को दिया गया वो बहुत सीमित था। मतदान वही व्यक्ति दे सकते थे जो सरकार को टैक्स देते थे, करदाता होते थे वो मतदान करते थे, जमींदार होते थे वो मतदान करते थे और स्नातक शिक्षा प्राप्त कर किए हुए व्यक्ति मतदान में भाग ले सकते। यानी उस समय जो मतदान की व्यवस्था थी वो सीमित थी, प्रत्येक नागरिक मतदान नहीं दे सकता था। तो टेस्ट देने वाला जमींदार या स्नातक जो होते थे वो मतदान में भाग ले सकते थे। इस तरह केंद्रीय विधान परिषद ने इस अधिनियम के बाद सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी है, जिनमें 37 सरकारी सदस्य होंगे और 23 गैर सरकारी जिन्हें निर्वाचित सदस्य कहते हैं। और इनके बाद 9 सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें गवर्नर जनरल नियुक्त करेगा। इतने सदस्य 9 सदस्य प्लस 9 होकर कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई? 69। जो सदस्य संख्या 16 थी उनको बढ़ाकर इस अधिनियम के बाद 69 कर दी गई। तीसरी विशेषता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू निर्धारण किया गया। ये इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता है और यह अधिनियम भारतीय एकता को खंडित करने का अधिनियम भी कह सकते हैं। इसमें देश की एकता को खतरा उत्पन्न हो चुका था और सांप्रदायिक सद्भाव की जो भावनाएं थी वो विखंडित हो चुकी थी। इस अधिनियम के द्वारा 1909 के अधिनियम के द्वारा कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को मुसलमानों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए, जमींदारों के लिए और कुछ व्यापारी वर्ग के लिए, कॉमर्शियल जो वाणिज्य वर्ग से संबंधित थे। इस तरह इस अधिनियम में इनको एक तरह से आरक्षण प्रदान किया गया है। धर्म के आधार पर मुस्लिम समुदाय को, टैक्स के आधार पर जमींदार को, व्यापारी के आधार पर व्यापारी वर्ग को, इस तरह से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। जो धर्म के आधार पर जो इनको एक तरह से आरक्षण, निर्वाचन का आरक्षण प्रदान किया गया या निर्वाचन व्यवस्था धार्मिक आधार पर लागू की गई, ये भारतीय एकता के लिए आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा बनी। 1909 के अधिनियम की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर ही भारत में विभाजन के बीज बोल दिए गए थे। लॉर्ड मार्ले कहते हैं कि हम भारत में ऐसा बीज बो रहे हैं जिसकी फसल हमेशा आगे चलकर कड़वी होगी। एक तरह से देश की एकता को खंडित करने के लिए उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली को लागू करने का काम किया। ये था 1909 का अधिनियम। अब हम आगे के वीडियो में 1919 के अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।